नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र विश्वकर्मा आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल नरेंद्र विश्वकर्मा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप किस प्रकार बहुविकल्प या विकल्पों में आसानी से ट्रिक लगा सकते हैं। उस इस ट्रिक की सहायता से आप अधिकांश नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आप विश्वास करके चलिए और जब आप इसका स्वयं प्रयोग करेंगे तो आपको स्वयं यकीन हो जाएगा कि ट्रिक में भी अच्छे मार्क प्राप्त किए जा सकते हैं, तुक्का में भी अच्छे मार्क प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज आपको मैं तुक्का बताऊंगा कि किस प्रकार आप तुक्का लगाकर विकल्पों में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मेरा सत्य सत्य में तुक्का कैसे लगाए वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन में दिया गया है कि सत्य सत्य में तुक्का कैसे लगाए, उस वीडियो को देखें। तो आज मैं कुछ आपको नियम बताता हूँ, कुछ आपको तरीके बताता हूँ जिसके माध्यम से आप तुक्का लगाकर एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकती है। तो इन नियमों को आप नोट कर लें, लिख लें या माइंड में फिट कर लें। तो कुछ नियम है, सबसे पहला नियम देखें, यदि आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं और चार ऑप्शन में से यदि उपरोक्त सभी का कोई ऑप्शन दिया गया है तो आपके उपरोक्त सभी ये आंसर सही निकलने के जो चांस होते हैं वह 95% होते हैं। यदि चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन उपरोक्त सभी है तो आप उपरोक्त सभी में तुक्का लगाइए। तुक्का नहीं लगाइए तो श्योर ही मानकर चलिए कि वह आपका विकल्प सही होगा। तो पहला तो आप फॉलो करें। सेकंड नियम मैं आपको बता दूं, यदि उसमें ऑप्शन दिए हैं दोनों, जैसे दिया राम किताब पढ़ता है, सुबह शाम दोनों कोई नहीं, तो आप दोनों में टिक लगाइए। जिस प्रकार 95% चांस होते हैं उपरोक्त सभी के, उसी प्रकार 95% चांस होते हैं उपरोक्त में से दोनों के। तो मैंने आपको कितने तरीके बताए, दो। पहला, यदि आपके सामने उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया गया तो आप उसे बिना सोचे बिना समझे भी लगा देंगे, तब भी आपका वह 95% सॉलिड मानकर चलिए सही होगा। दूसरा, मैंने आपको बताया कि यदि आपके सामने उपरोक्त दोनों में से ऑप्शन दिया गया तो भी आप उसे सॉलिड लगा दीजिए। अब तीसरा नियम माइंड में रखे फिट, यदि आपके सामने उपरोक्त में से कोई नहीं यह ऑप्शन आता है तो इस ऑप्शन को आप जानबूझकर अनजाने में कभी भी ना लगाइए। जिस प्रकार उपरोक्त सभी के चांस 95% सही होने के होते हैं, उसी प्रकार उपरोक्त में से कोई नहीं के चांस 95% होते हैं सही ना होने के। तो तीन नियम हो गए। चौथा नियम देखते हैं, सन। यदि आपके सामने सन के कोई भी ऑप्शन आती है, आप देखते हैं कि अक्सर सन दी रहती है कि राम का जन्म कब होगा, या किसी का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब होगा, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए 1868, 1869, 1870, 1871, इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए, तो आप मानकर चलिए विश्वास कर कि जो सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट सन वाला विकल्प होता है वह उसका आंसर ना होने की चांस अधिक होती है, और सबसे सबसे कम वाला, जैसे हमने आपको चार ऑप्शन दिए 1869, 1868, 1870, 1871, तब आप उम्मीद करके चलिए कि 1868 का ऑप्शन आपका ना होने के चांस बहुत कम है, होने के चांस बहुत कम है, 1871 के होने के चांस बहुत कम है। अब आपके जो आंसर होंगे इन दोनों में से कोई एक होगा, यहां पर आप 50-50 खेलकर भी काम चला सकती है। पहले चार ऑप्शन थी, अब आपके सामने दो ऑप्शन हो गए तो चांस होने के 50-50 चांस हो चुकी है। इसी प्रकार यदि कोई अंक, कोई भी शब्द, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है
जिनमें संख्या पूछी गई हो, जैसे राम को वर्ष वनवास कितने वर्ष का हुआ था, या जो चुनाव कितने वर्ष का होता है, कुछ भी ले सकते हैं। तो चुनाव पंचायती चुनाव कितने वर्ष में होता है, 5 वर्ष में, 3, 4, 5, 6। तो जैसे किस में जो सबसे कम होती है संख्या उसकी भी चांस बहुत कम होती है, सबसे अधिक होती है उसकी भी चांस बहुत कम होती है। अब दो में से एक हो गया तो यहां पर भी आप 50-50 खेल लीजिए, यदि आपको पता नहीं है। और जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, तुक्का बता रहा हूं, या रामबाण इलाज है, आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, वरना पछताओगे। कहते ना कि अब पछताए होत का, जब चुड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत जाने पर यदि आपने इस वीडियो को देखा तो वास्तव में यकीनन आपको पश्चाताप करना पड़ सकता है। तो ये आपके 5 नियम हो गए। अब ऑप्शन में मान लो कि इनमें से कोई भी नियम नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन में आपके सामने ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। तो इसमें से अधिकांशता सही होने के चांस होते हैं ऑप्शन ए की। आप ऑप्शन ए पर लगाइए, अधिकांशता सही होगी। चाहे तो आप घर में पहले एग्जाम पर प्रैक्टिस कर ले, जो मैंने नियम बताए वो कहां तक कारगर होते हैं, आप करके भी देखोगे तो यही विधि सामने आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। इसके बाद एक नियम और रह गया, लेकिन उस नियम को बताने से पहले मैं चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने खालिस्तान में तुक्का कैसे लगाए यह वीडियो नहीं देखा है तो इस ऊपर आई बटन पर वह वीडियो दिया गया है, उसे आप जरूर देखें। अब ऑप्शन आता है, कई बार ऐसे आते हैं कि किसी का, किसी वैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है, जैसे इसके जनक कौन है, किसी का भी पूछ लेते हैं। तो अक्सर जो जनक होते हैं, जैसे हमने कहा राउल्ट के नियम के जनक कौन है, तो राउल्ट है। अक्सर वैज्ञानिक जो होते हैं अपने नाम पर ये नियम प्रतिपादित करते हैं। यदि ऐसा कोई भी ऑप्शन आता है कि इसके जनक कौन है, जैसे पाइथागोरस पर भी किसने दी थी, तो पाइथागोरस जी ने, तो ये 100% मानकर चलिए, 100 बहुत ही कम ऐसे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने नाम पर नियम नहीं देते। तो ये आपको जो मेरे तरीके बताए हैं इनका फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद यदि आपके साथ एक सारगर्भित हुए हैं, कारगर हुए हैं एग्जाम में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय माता दी।